Life is art. If I am an artist, I want to live in total. If I can't, I am not an artist. कोई चीज है उसमें अगर जान डालने का अगर कोई काम करता हो ना तो वो आर्टिस्ट है। मुझे आर्ट खुशी देता है बस। मेन इंटरेस्ट यही, मेरा लाइफ उसके लिए। दिस इज वन सेट ऑफ मेडिटेशन। आप एकांत में हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप वहां बैठे हैं ऐसे। बैठता सारी दुनिया को भूल जाता, अपने जो अंदर की इच्छा है उसको उसके पास हूँ, अच्छा सा लगता है। ये कैसे बनाओ, ये कैसे फिनिश करो, जस्ट कट करते हैं। आई विल नॉट गिव एनी डायरेक्शन, सिंपली गोस। जो मेरी मन की भड़ास होती है वो मेरे आर्ट में निकलती है। जो आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है वो आपके बाहर आ जाती है। एक प्रेरणा मिलता है आगे बढ़ने के लिए, ताकत देती है। हम उसमें डूब जाते हैं, एक होके करते हैं। आर्ट अपने अंदर होता है, कोई बाहर नहीं है, कोई कलर में नहीं है, कोई किसी में नहीं है। आर्ट अपने अंदर है, अपने मन में है, अंदर से बात होती है। अपने मन को शांत करेंगे तो आर्ट अपने आप बाहर आएगा। बोलने से ज़्यादा मौन की कीमत ज़्यादा है, वो समझ में आए। എനിക്ക് അധൂരാപ്പാൻ മേര ലൈഫ് നേത്താ മറ്റ് കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തനിയായിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം പാസിങ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ്। ഇക്ലോത്ത ലൾക്കാവ് നാ ബഹൻ ഹൈ നാ ഭായി ജോ ലാഠി രഹതി ഹൈ നാ വോ ടൂട് ഗയി ഹൈ। ബഹുത് സാരെ അലഗ് അലഗ് ഖയാൽ ആതേ തേ, ജൈസേ മർനേ കാ, ഇസ് ദുനിയാ മേ ജീ കർ ക്യാ കർനാ ഹൈ। മുജേ ദേഖാ തോ പതാ തോ ചലീ ജാതാ കി ഹാ ഇൻകേ ഹാത്ത് നഹീ ഹൈ। कह रहे इनके हाथ नहीं है, और हम कुछ बोले नहीं, चुपचाप सुन रहे थे। फिर अच्छा लग रहा है, बोलती भी नहीं, बोल भी नहीं पाती, मेरी बहरी भी है। ये मैंने कहा ये लोग तो सब लोग मुझे ऐसे ही कहते रहेंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। अगर गिर गए तो खड़े हो जाओ, चलो आगे चलो, तो डेवलपमेंट होता है। और ये दुख सुख तो जीवन के एक पहलू है जो आते हैं और चले भी जाते हैं। Society is not reality, mind is reality. Mind is the ultimate thing. मुझे वो टूटी हुई लाठी नहीं बनना था, उनका सहारा बनना था। मुझे ऐसा है लेकिन कुछ करके दिखाना है। मुझे बहुत पसंद है पर मुझे नहीं आता, मेरे हाथ नहीं चलता। भैया ने बोला क्यों तुम नहीं टेंशन करती है, वही कैन यूज माउथ। माउथ एंड फूड पेंटिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन, ये आपको बढ़ावा देता है, आगे ले जाते हैं। कुछ है ऐसा जो सोचते वो ही कर सकते हैं। I am something, ईगो के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए। हमारी कंपनी का सोच बहुत अच्छा है, आप हमारा पेंटिंग खरीदोगे हम आपका पैसा लेंगे। ऐसा नहीं कि वो दान दे दिया और आप पड़े रहे, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा वो लोग काम करते हैं कि हम जैसे लोगों को एक प्रतिष्ठित जगह दिलाने के लिए। हमारी चीज वो वैल्यू करते हैं और हमारी चीज लेते हैं तो हमको आनंद होता है कि आप काम भी कर सकते हैं, आप लोगों के आगे हाथ नहीं फैला सकते। आप चैरिटी मत करो, क्योंकि चैरिटी होता है ना वो आपको डाउन ले जाता है। इनकी जो टैलेंट है इनको सामने ले आइए और उनका टैलेंट आप खरीदो। अगर मेरी पेंटिंग किसी के पास जाएगी तो 10 लोग देखेंगे, उसको कहेंगे कि किसने बनाई है। मेरे चेहरे से नहीं, मेरे पेंटिंग से मैं जाना जाऊं कि ये चीज मनोज का है। मैं तो यही चाहती हूँ कि बिल्कुल ये ना लगे कि ये पैर से बना है।
पेंटिंग का क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिस्ट का ब्रश की स्ट्रोक भी उन लोगों को पता है, वैल्यूएशन करता है। अगर MFPA लगेगा नहीं ना तो हमारी भी कोई इतना कदर करने वाला है। लोग मुझे बोलते कि तरह बार बार से पूरा लेटर आता है कि तूने ऐसा क्या किया। मैं ऐसा कुछ नहीं किया, मैं पेंटिंग करता हूँ। क्योंकि उनके तरफ जो स्टेज मिल रहा है वो कहीं और से नहीं मिल पाई। बहुत कॉन्फिडेंस मिला मुझे, मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ। मैं अब बहुत आज़ाद हो गई हूँ। पहले पैसे कलेक्ट करते थे, फिर पेंटिंग में लगाते थे, उससे थोड़ा हट के पेंटिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। आज मैं पूरे इंडिया में इंडिया की बाह जो जब को मिला हूँ वो उसके जरिए मिला हूँ, तो इसलिए मैं उसके आभारी बहुत हूँ। डिजेबिलिटी इसी की वजह से ये सब हुआ। रेगुलर लाइफ होता है बस ऐसा ही चलता और यहाँ तक नहीं जाता और ये डेवलप कुछ नहीं होता। मैं आर्टिस्ट होता ही नहीं।